नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी कोने वीडियो पे। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि KTM RC390 जब रिजर्व में लग जाती है उसके बाद कितने किलोमीटर तक जा सकती है, मतलब ट्रिप एफ मोड जो होता है उसमें कितने किलोमीटर जा सकती है। दोस्तों मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूँ एक बार और दिखाता हूँ आपको कि इसमें तीन मोड होते हैं, एक तो ऑडोमीटर, ट्रिप वन, ट्रिप टू। दोस्तों उसके बाद एक होता है ऑडोमीटर, तो दोस्तों मतलब ये ट्रिप एफ मोड रहता है। तो दोस्तों ये देखिए आप, इसमें तीनों मोड हैं। जब फ्यूल एकदम लो हो जाएगा तो रिजर्व में चली जाती है और ट्रिप एफ मोड अपने आप आ जाता है रिगार्डलेस कोई भी ट्रिप पे चले, ट्रिप वन पे, ट्रिप टू पे, चाहे ऑडोमीटर पे हो, फिर ट्रिप एफ मोड पे चली जाती है। मैं एक शॉर्ट राइड पे गया था दोस्तों, तब मैंने रिकॉर्ड किया था, ये छोटी सी फुटेज है वो दिखाना चाहूँगा आपको मैं। पहली फुटेज देख लीजिए दोस्तों, ये पहली फुटेज है दोस्तों। इसमें देखिए 48.6 दिखा रहा है ये मैंने बीच में रुक के रिकॉर्ड की थी। इसके बाद मैं एक फ्यूल स्टेशन पे जाऊँगा उसकी और दिखाऊंगा आपको वहाँ पे मैक्सिमम कितना किया है इसने, तो देखते जाइए आप। दोस्तों मैं फ्यूल स्टेशन पे आ चुका हूँ, अब ये देखिए दोस्तों 59.5 कर चुकी है दोस्तों ये। अब मैं दोस्तों रिफ़िल करवाऊंगा तो देखते इसमें कितना फ्यूल आ जाता है, पूरा फुल कराते हैं इसको, इसको बोलते हैं फ्यूल फुल करने के लिए। दोस्तों फुल कर रहा है। दोस्तों मैं आप देखिए मीटर का ध्यान रखिए। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मैं हाईवे पे चल रहा था तब इसने इतना किलोमीटर मतलब दिखाया है, और जो स्पीड जो थी मेरी 80 से कम नहीं थी, 80-85 तक थी। तो दोस्तों आप देखते रहिए इसमें कितना फ्यूल आता है, और मेरे साथ सिटी में तो कम ही चलेगी, सिटी में अराउंड 35-40 किलोमीटर चल जाएगी रिजर्व में लगने के बाद। तो हाईवे पे देखो आराम से 60 चल गई, देखते इसमें कितना फ्यूल और आ सकता था, मतलब कितना फ्यूल बचा था, क्योंकि 10 लीटर की कैपेसिटी है इसकी, और इसमें अभी फ्यूल आ चुका है। देखते हैं अभी फ्यूल दोस्तों इसमें 9.30 लीटर आ चुका है, तो अराउंड 700 ml आ जाता है इसमें, और तो अराउंड 65 किलोमीटर कर देती है सिंगल उसमें, मतलब रिजर्व में लगने के बाद। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद दोस्तों।